हाय गाइस, मेरा नाम है शौरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बिगनर्स मेकअप किट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। सो ये है मेरा मेकअप किट। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइमर से। मार्केट में प्राइमर्स बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, सो मैं सजेस्ट करूँगी एक एलोवेरा जेल यूज़ करने के लिए। एलोवेरा जेल्स मार्केट में 120 से 150 रुपीज़ में अवेलेबल होती है। एलोवेरा जेल और प्राइमर का कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सो आप ये जेल लगा के 10 टू 15 सेकेंड्स वेट करके आप अपना फाउंडेशन और कंसीलर स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं सजेस्ट करूँगी वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन। इसका प्राइस है 599 रुपीज़, बट ऑफर्स और डिस्काउंट के साथ आपको ये बहुत अच्छी प्राइस में मिल सकता है। ये 10 शेड्स में अवेलेबल होती है। यूज़ करने में बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है और ये आप ब्रश या स्पंज से यूज़ कर सकते हैं। कंसीलर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेबलिन फिट मी कंसीलर। ये आता है 475 रुपीज़ का। ये आती है 8 शेड्स में और इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है, आपके एक्ने मार्क्स और डार्क सर्कल्स अच्छी तरीके से कवर हो सकते हैं। प्रेस्ड पाउडर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मिस क्लेयर का प्रेस्ड पाउडर। ये आता है रुपीज़ 150 में। ये काफ़ी अफोर्डेबल है और ये आपके फाउंडेशन को भी काफ़ी अच्छी तरीके से सेट करता है। ब्लश ब्रॉन्जर हाईलाइट के लिए मैं रेकमेंड करूँगी ये सिवाना का स्पाइस पैलेट, जिसमें आपको दो ब्लशेस, एक पिंकी एक कोरल और एक ब्रॉन्जर और एक हाईलाइट मिलेगा। ये है ब्लशेस के शेड्स और ये है ब्रॉन्जर और हाईलाइट। ये काफ़ी पिगमेंटेड है, इसका कलर पे ऑफ भी बहुत अच्छा है और ये आपको 350 से 450 रुपीज़ के बीच में मिलेगा। आई शेडो के लिए मैं सजेस्ट करूँगी ये सिवाना का ओरिजिनल मेकअप पैलेट। ये बहुत ही बेसिक न्यूट्रल पैलेट है जिसमें आपको ब्राउन्स, क्रीम्स, ब्लैक्स और डार्क ब्राउन शेड्स मिलेंगे। ये पैलेट बहुत ही वर्सेटाइल है, आप डे टू नाइट टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये जो डार्क ब्राउन शेड है, इससे आप आपके आईब्राउ भी फिल कर सकते हो। मैंने आज मेरे आईब्राउज यही ब्राउन शेड से फिल किया है। आपको सिर्फ ये डार्क ब्राउन शेड और एक एंगुलर ब्रश चाहिए होगा। हाइलाइटर के लिए मैं और एक हाइलाइटर आपको सजेस्ट करूंगी, वो है शिवाना का ये शिमर ब्रिक्स। दिस इज़ इन दी शेड नंबर 2। सो इसमें बहुत ही ब्रॉन्जी और शैम्पेनी शेड्स आते हैं, आप इसको मिक्स करके लगा सकते हो एंड दिस इज़ द शेड, इट्स रियली प्रिटी। ये आपको ऑनलाइन 250 टू 300 रुपीज़ के बीच में मिल जाएंगी। काजल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी मेबलिन कलोसल काजल इन सुपर ब्लैक। ये बहुत ही ज़्यादा डार्क है, इट्स वेरी वेल पिगमेंटेड। ये आप वाटरलाइन और टाइट लाइन के लिए तो यूज़ कर ही सकते हो और इसे आप स्मोकी आईज़ भी बना सकते हो। मैंने एक स्मोकी आई मेकअप ऑलरेडी किया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लिक्विड आईलाइनर के लिए मैं सजेस्ट करूँगी लैक्मे इंस्टा लाइनर। ये बहुत ही जेट ब्लैक और मैट लिक्विड लाइनर है। ये आपको अवेलेबल होता है सिर्फ 120 रुपीज़ में। अगर आपका हाथ बैठा नहीं है लिक्विड लाइनर से, तो आप मिस क्लेयर का आर्टिस्ट पेंसिल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। वो एक स्केच पेन के फॉर्मेट में आती है, तो वो भी बहुत ईजी होगा आपको यूज़ करने के लिए। मस्कारा के लिए मैं सजेस्ट करूँगी मेबलिन लैश सेंसेशनल। ये आपके लैशेस को बहुत ही लॉन्ग और फ्लटरी बनाती है और आपको फेक आईलैशेस यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मस्कारा के साथ एक अच्छा आईलैश कर्लर होना भी बहुत ज़रूरी है। ये मेरा लैश कर्लर है फ्रॉम मिनीसो। ये आपके लैशेस को ज़्यादा देर कर्ल रहने में मदद करता है। लिपस्टिक्स के लिए मैं आपको दो सजेशंस दूंगी। एक है मिस क्लेयर के सॉफ्ट मैट लिप क्रीम्स। ये आपको बहुत सारी शेड्स में आ जाएंगी, रेड्स, न्यूड्स, ब्राउन्स, पिंक्स। इसका प्राइस होता है 250 से 275 रुपीज़। ये बहुत हाईली पिगमेंटेड है, तो आपके अगर कोई डिस्कलरेशन हो लिप्स पे, ये आपको उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर कर देंगी। ये लिक्विड लिपस्टिक्स है बट बहुत कम्फर्टेबल है लिप्स पे वेयर करने के लिए। और अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक्स कम्फर्टेबल नहीं लगते, तो आप बुलेट लिपस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। ये है मेबलिन का क्रीमी मैट लिपस्टिक्स, मैंने आज यही लगाया है इन द शेड क्ले क्रश। ये बहुत ही क्रीमी और कम्फर्टेबल है वेयर करने के लिए। इसमें आपको 35 शेड्स आती हैं, रेड, पिंक, ब्राउन्स, न्यूड्स, एवरीथिंग। और इसका प्राइस है 299। और अगर आप कोई क्रीमी लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो कोई पिंक या मॉवी शेड में, तो आप उसे लिप्स पे भी लगा सकते हैं एंड यू कैन यूज़ दैट एज अ ब्लश ऑल्सो।
ब्रशेस के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस में आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मेकअप तो ख़त्म होते रहता है और आप खरीदते रहते हो, मगर ब्रशेस कभी ख़त्म नहीं होता और ब्रशेस सालों साल आपके साथ रहते हैं। सो अच्छी क्वालिटी ब्रशेस में इन्वेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूँगी रियल टेक्निक्स के ब्रशेस। आपको ढेर सारे ब्रशेस नहीं चाहिए होंगी, बस ये कुछ 4-5 ब्रशेस है जो मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट है पफिंग ब्रश। इससे आप आपका फाउंडेशन सेट कर सकते हो पाउडर से, ब्लश और ब्राउन्जर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फिर है ये एक्सपर्ट फेस ब्रश, जिससे आप फाउंडेशन और कंसीलर ब्लेंड कर सकते हैं। फिर है ये छोटा सा डोम शेप में सेटिंग ब्रश, इसे आप आपका कंसीलर पाउडर से सेट कर सकते हैं और हाइलाइटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ये है ड्यूलक्स कंसीलर ब्रश, इससे आप आपका कंसीलर भी ब्लेंड कर सकते हैं और सेम ब्रश आप आपके क्रीज में ट्रांजिशन शेड भी लगा सकते हैं। और लास्टली ये शेडिंग ब्रश, जिससे आप पूरे लिड पे कलर लगा सकते हैं और सेम ब्रश से आप नीचे लैश लाइन को भी स्मोक आउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, ये था मेरा रिकमेंडेशन आपके बिगिनर्स मेकअप किट को बनाने के लिए। सारे प्रोडक्ट्स के लिस्ट और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।